हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम में इनके घर से इनके जीवन से छोड़ के चली जाए। 50 से अधिक देशों से प्रार्थना आए हैं पिता, भारत देश के भारतवासी वहाँ रहते हैं पिता, वो बीमारी से डरे हुए हैं पिता परमेश्वर। लेकिन मैं पियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वहाँ के सरकार के नियमों का पालन कीजिए, परमेश्वर आपको पवित्र रूप से छुपाए रखेगा। आपकी किसी बीमारी किसी महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मसीह के मधुरों मेरे नाम साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर एक महामारी हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और इस प्रार्थना को अपने रूम में अपने घर में चालू करके रखिए। जो बीमार पड़े उनको सुनाइए, परमेश्वर वहाँ निश्चय कर्म करेगा और उनको चंगाई प्रदान करेगा। हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कुलुसियों के उसके चौथे अध्याय के उससे दूसरे पद में लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसे कारण मैं कैद में हूँ। हालेलुया, मैं पियो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। अभी अवकाश का दिन है, अभी पूरा भारत देश बंद है, आपको कहीं भी जाने का इजाज़त नहीं है, केवल राशन दुकान आप जा सकते हैं और कुछ जो रोज की सामान है आप उसे खरीदने जा सकते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक अवसर है। जब हम उसके पांचवें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर आपको इसलिए दिया गया है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हम इस अवसर को बहुमूल्य समझकर हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं, अपने लिए, भारत देश के लिए और पूरे संसार के लिए, और हम परमेश्वर के करीब आ सके। जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, आज वो समय है, आपको परमेश्वर के पास आना है और उससे प्रार्थना करना है, वचनों को अध्ययन करना है और उसके पास उसके संगति में हमेशा बने रहने का उससे आपको एक वादा करना है। हम ये कुछ दिन हमें मिला है तो हम उपवास में रुककर प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। और यहाँ पर लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जो भी आपके जीवन में घट रही है, बीमार है, समस्याएं हैं, चिंता है, उन सारे बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए, क्योंकि जो आज ये 21 दिन का अवकाश मिला है वो भी परमेश्वर के द्वारा ही हमें दिया गया है। तो आप भी उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझको एक अवसर दिया कि मैं तेरे उपस्थिति में बैठ सकूं, उपवास प्रार्थना कर सकूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे ड्यूटी जाना था, उपवास नहीं रुक सकता था, काम पे जाना रहता था, उपवास नहीं कर सकता था। लेकिन आपको एक अवसर दिया गया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझकर आप उपवास प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु को उपस्थिति में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जान सके। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। तो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और अवसर को बहुमूल्य समझिए। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना को। हालेलुया 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 बरी बबलर बरी कर बर तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, रक्तम जयम। हालेलुया 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 बरी बबलर बरी कर बर रक्तम जयम। ग्लोरी 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 रक्तम जयम। हालेलुया हालेलुया बरी बबलर बरी कर बर रक्तम जयम।
नाम प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। रात में सुना है दिया, एक नया दिन दिखाया पिता, जीवितों के भीतर हम सबको जीवित रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सरा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते, धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। पिता हम प्रार्थना करते इन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। इन सब की प्रार्थना सुर में एक गहन योग होने पाए पिता। आज के दिन पिता जब हम पिता परमेश्वर आज घरों में रुकते हैं पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति बैठने में तू हम सब की सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इन सबको पिता जब वचन पढ़ते हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इनको समझाने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी इन सबको पवित्र छुपाए रख, हर एक महामारी हर एक बीमारियों से हम सबको बचाए रख पिता, और पवित्र छुपाए रख पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता चिंताओं में घिरे हुए हैं पिता, वो कल की चिंता कर रहे हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पियो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रभु पे बातें छोड़ दीजिए और प्रार्थना पूर्वक उसमें जागृत रहिए, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेगा, हर एक बंद रास्ते को खोलेगा, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मांगने से पहले ही प्रभु हमारे लिए इंतजाम करके रख है। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, भारत देश में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता, भारत देश में पिता परमेश्वर जो महामारी फैल रही है पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उसको जला के शून्य करते हैं पिता। ये महामारी से जो भाई बहन बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। जो पिता परिवार के लोग हैं पिता, उन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनमें महामारी ना फैलने पाए पिता, और उनमें पंखों तेरे छुपाए रख पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। भारत देश तेरे नाम से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द भारत देश से महामारी दूर हो जाए, तूने ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त पे इटली के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता, वहां के लोग तेरी ओर फिर रहे हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी उन सबको प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर वचनों से बातचीत कर पिता परमेश्वर, चुने हुए दासों के द्वारा पिता परमेश्वर वहां भेज के वहां एक बेगारी आने पाए पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों तो ऐसा करने जा रहा है प्रभु जी, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जो हमारे पिता पूरे इटली शहर में पिता परमेश्वर देश में फैली हुई है पिता, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मैं पियो इटली से अगर कोई प्रार्थना देख रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना देखिए, आपके घर से आपके देश से आप जिस देश में है इटली के जिस शहर में है वहां से हर एक महामारी दूर होने जा रही है यीशु नासरी के नाम में, वहां प्रार्थना चालू करके रखिए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, प्रभु जी वहां से हर एक महामारी को हम जला के शून्य करते हैं, और उस महामारी से जो बीमार पड़े हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। हम पिता परमेश्वर अमेरिका फ्रांस ईरान हर एक शहरों के लिए हर एक देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जो देश पिता इस महामारी से जूझ रही है पिता परमेश्वर, अपनी करुणा उसके ऊपर बरसा पिता परमेश्वर, हर एक महामारी हर एक बीमारी उस शहर से उस देश से दूर हो जाए पिता, तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से पिता पूरे भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, भारत देश को पहुंचते छुपाए रख पिता, हर एक महामारी तो जल्द से जल्द खत्म करने जा रहा है, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बीमार पड़े हैं पिता, वो दवाई खा के थक चुके हैं पिता, वो थके माए तेरे पास आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम में इनके घर से इनके जीवन से छोड़ के चली जाए। मैं पियो आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए, और ये अवसर को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए।
जो बीमारी है आपके शरीर में वो यीशु के नाम में दूर होने जा रही है। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जिस देश, जिस गांव, जिस शहर, जिस कस्बे से रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता, उस जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। घर घर सदस्यों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमार पड़े हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। हर एक महामारी, हर एक बीमारी इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके घर से प्रार्थना को सुनते ही निकल के चली जाए। इन सब को तू चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। मैं पियो परमेश्वर हमारा रक्षक है। भवन संहिता 91 पिता परमेश्वर हम सब के जीवन में आशीष कांड ठहरने पाए। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कोई महामारी, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, केवल हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिस कारणवश घर में अशांति की आत्मा कार्य कर रही है पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इन सब के जीवन तू अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है इन 21 दिनों पिता। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन बोलते हैं, प्रार्थना भेजते हैं कि मैं इस लत से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर आपको उस बुरी चीज से छुटकारा देने जा रहा है, वो चाहे गुटके की हो, चाहे दारू की हो, आपको उसे छुटकारा देने जा रहा है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए पिता। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहेद की आत्मा, यीशु नसरी के नाम में इनके जीवन से, इनके घर से प्रार्थना को सुनते ही चलते ही वहाँ से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चले, उस घर के चावों तो थोड़ा बांधते, जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उजियाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन विदेश कार्य करते हैं पिता, अलग अलग देशों से पिता, बहुत से प्रार्थना आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, 50 से अधिक देशों से प्रार्थना आए हैं पिता, भारत देश के भारतवासी वहां रहते हैं पिता, वो बीमारी से डरे हुए हैं पिता परमेश्वर। लेकिन मैं पियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वहां के सरकार के नियमों का पालन कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत छुपाए रखेगा। आपकी किसी बीमारी, किसी महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके संग संग रहता है। 50 से अधिक देशों से प्रार्थना आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके अंदर एक डर की आत्मा कार्य कर रही है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो उनके अंदर डर बैठी है पिता, हर एक डर की आत्मा उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। और जिस गाँव, जिस शहर, जिस देश में रहते हैं पिता, विदेश है पिता, उस जगम त्रिनाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता, उन सबको पंगत्र छुपाए रख प्रभु जी। यही हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम चयम, रक्तम चयम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, वो पिता परमेश्वर वो शादी कौशल बीत चुके हैं, बच्चे के आशीष नहीं मिल पाई है पिता, वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं, उनके अंदर एक शोक की आत्मा कार्य कर रही है। मैं पियो शोक नहीं बल्कि आनंद बनाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है। जिस परमेश्वर ने को आंखें दिया, लंगों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है पिता। इन सबको तू आशीष से भरपूर किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद। इन सबको पिता जहां कहीं भी रहते पिता, जिस घर में रहते पिता, उन सबको पंगत छुपाए रख, हर एक मेहमारी, हर एक बीमारियों से इन सबको बचाए रख पिता। इन सबको पंगत छुपाए रखा, धन्यवाद देते हैं। दिन भर पिता परमेश्वर पंगत छुपाए रख पिता, घर में रुक कर प्रार्थना करने में इनकी सहायता प्रदान किया पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सबको पिता परमेश्वर महामारी बीमारियों से बचाए रख प्रभु जी। प्रार्थना सुन, धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम, यीशु नाम मांगते, शुन दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए, और जितने भाई बहन प्रार्थना भेज रहे हैं, चाहे वो विदेश से हो, चाहे देश से हो, उन सब के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की जा रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है। 50 से अधिक
देशों से प्रार्थना निवेदन आए हैं, जो व्यक्ति भारत देश के वासी है और वहाँ जाकर अपना जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, प्रभु आप सबके साथ है, डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपका रक्षक है। भजन संहिता 91 रोज पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके संग संग चलता और फिरता है। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सकें। गॉड ब्लेस यू।